विधायक भोलू राम सोनकर जी की तरफ से नव वर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सैदपुर विधानसभा 374 से मजबूत दावेदार समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भोलू राम सोनकर कोविड-19 प्रत्येक गांव में आर्थिक मदद, राहगीरों को भोजन कराना, घर तक पहुंचाने में मदद करना, कुछ ग्रामीण की प्रशंसा करने में पीछे नहीं हटते। गांव के लोग कहते हैं कि हमको एक बार भोलू राम सोनकर चाहिए। इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं। भीमापार, देवचंदपुर, भटोला, पहाड़पुर, आदापुर, रामपुर, खानपुर, सिद्धौना आदि गाँव का भ्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मोहम्मद इसरार, इस वक्त हम भोलू राम सोनकर जी से बात करने आए, जो कि समाजवादी पार्टी के 1996 में पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आइए, इस वक्त विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, आइए विषय पर हम उसे बात करें। सभा 374 के आइए विधायक जी हम बात करते हैं, इसमें चुनाव रणनीति में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, विधानसभा 374 सुरक्षित है, यहाँ पर कई प्रत्याशी मैदान है। देखिए, हम अपने कर्म पर चलते हैं, अपने मेहनत पर चलते हैं, कि समाजवादी पार्टी की नीतियों रीतियों पर चलते हैं। हम मुलायम सिंह के सिपाही हैं, अखिलेश की सिपाशाला हैं, हम अखिलेश जी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी 374 में हर बूथ पर काम कर रही है, संगठन का काम चल रहा है और जनसंपर्क भी बहुत तेजी से चल रहा है। और आने वाला जिस दिन चुनाव का घोषणा हो जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आई देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, काशी, मथुरा की बात कर रही है। महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है उनका। जो समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले 2012 से 17 तक थी, उसमें अखिलेश यादव का काम बोलता था, हर जगह विकास का पहिया चलता था। जो लोग कहते थे अखिलेश यादव डिम्पल भाभी की चाबी, तो वह सही था। अखिलेश ने जो 2012 से लेकर 17 में विकास किया, आज उन्हीं विकास कार्यों का माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अमित शाह या उनके हर कैबिनेट के लोग अखिलेश के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इस जो नौजवान युवाओं को जो महंगाई भत्ता हमारे अखिलेश सरकार में मिल रही थी, क्या योगी जी भी ऐलान किए कि गरीब नौजवानों को लेकर वितरण किया जाएगा? क्या आपकी सरकार आने पर जो बिजली मुफ्त देने की घोषणा करके आप दे सकते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। जब मोदी और योगी चुनाव में जाते हैं तो सबको कोई 15 लाख रुपये खाते में डालने की बात करते हैं। आज सरकार चंद दिनों की है और स्मार्ट फोन को 15 लाख रुपये खाते में डालने की बात करते हैं। आज सरकार चंद दिनों की है और स्मार्ट फोन, लैपटॉप तो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बांट चुके हैं। ये तो कहने की बात नहीं है। हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र में है, बेरोजगारी हमने दिया, भत्ता दिया, नौजवानों को नौकरी दिया, महंगाई पर कंट्रोल था। आज इस केंद्र और प्रदेश की सरकार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है देश में, वह सपना दिखाते हैं गरीबों को, सपना दिखाते हैं। आज गरीबों का मसीहा खाली एकमात्र चौधरी साहब के बाद माननीय मुलायम सिंह के बाद कोई है तो इस प्रदेश में अखिलेश यादव मात्र एक नेता, अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नेता नहीं। हमारी जान सैलाब चल रही है, उनका कुर्सियां खाली हैं, उनके मैदान में उनका जब सभा हो रहा है तो कहीं 500 कहीं 1000 पर भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। हम लोग की सभा जनता गांव खलिहान से निकलकर, खेत खलिहान से निकलकर सड़कों पर आ गई है। 2022 का इंतजार है, जिस दिन समाजवादी निर्वाचन आयोग बिगुल फूंक देगा उस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री प्रदेश करेंगे।
देखिए हम आप इस चैनल के माध्यम से, अल्पायु चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम मुझको आप समय दिए हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता, नए वर्ष की शुभकामना, एडवांस शुभकामना आपको, नए वर्ष की शुभकामना मंगलमय करता हूँ। आइए हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करते हैं, इन ग्रामीणों की क्या समस्या है और ग्रामीणों का क्या उद्देश्य है। आइए आपका क्या, जो विधानसभा की तैयारी से तमाम नेता लोग घूम रहे हैं, इसमें चुनाव रेस में क्या चाहते, किसको चाहते हैं? हमारा जो गरीबी है उस गरीबी को हटाने के लिए हमें यही जो अखिलेश नेता है हमारे, हम लोगों के लिए जीवनी बनेंगे। अखिलेश नेता जीवनी बनेंगे? हाँ। आप किसको चाहते हैं भैया? अखिलेश। अखिलेश यादव? हाँ भैया, अखिलेश यादव। अरे भाई, ग्रामीण लोग तो सभी लोग अखिलेश चाहते हैं। क्या भैया, आप किसको चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, वाह भाई, अखिलेश यादव। चलिए भाई, कहीं आओ पता करना है, आप बताओ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। गरीबी जो है जितना चरम सीमा पे ला दिए कि समझ लो गरीब आदमी जीने जीने लायक नहीं रह पाए। का योगी जी नहीं दे रहे आपको? नहीं नहीं, योगी जी अगर देते तो फिर ऐसी बातें नहीं आती। हाँ। तो गरीबों को बस धरती पर लेटा ही देंगे और क्या करेंगे। का आपके परिवार किसको लेटा दिए? अरे बहुत जने लोगों ने लेटा दिए, इतनी कितनी लोगों को हम लोग पता नहीं, आगे निरीक्षण करें देखे तब ना उनको मालूम होगा। भैया किसको आप चाहते हैं? अखिलेश सिंह यादव। इधर सभी लोग अखिलेश से बल के भी आओ, देखना होगा। महिलाओं से बात करते हैं, देखिए महिलाएं क्या करती हैं। आप जो आपको चाहते हैं, जो योगी सरकार में आपकी क्या कोई सुविधा मिल रही है? हाँ, अभी हम सुने कि आपके पति अभी हाल में स्वार गए हैं, क्या ऊपर विधा पीछे मिल रहा है? अभी तक नहीं, और कुछ मिलने की उम्मीद? मिलेगा तभी ना उम्मीद करेगा आदमी, ऐसे क्या उम्मीद करेगा। आपके कितने दिन हुए हैं? इनके पति के इस पार करते हुए 9 महीना हुआ, अभी तक उनको सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त जो विधानसभा सभी नेता लोग दौड़ रहे हैं, किसको चाहती हैं वोट देने? अब किसको? अखिलेश यादव। और प्रत्याशी किसको चाहती हैं? भोनू का, भोनू बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। आप किसको चाहती हैं? अखिलेश। और प्रत्याशी किसको चाहते हैं? विधायक जी को चाहते हैं। अरे विधायक, ये कौन से विधायक? सुभाष पासी को चाहती हैं? नहीं, भोनू विधायक। अच्छा, भोनू विधायक। देखिए महिलाएं भी यहाँ उत्साहित हैं, और भोनू विधायक जी को इंतजार कर रहे हैं कि भोनू विधायक अगर प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो विधा पेंशन बन सकता है।